वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू और कैसे हैं आप लोग चलिए शुरू कर लें ज़रा सेशन को आज और देखें हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं तो आई होप मेरा वीडियो और वॉइस क्लियर है केस कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं साथ ही साथ जानकारी दे दूं मेरा नाम मीनम है और हमारे चैनल का नाम है बाबा जिसे आपको सब्सक्राइब करना है अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो so दैट आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जब भी क्लासेस लाइव हो रही हैं तो भैया बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कितने क्वेश्चन हैं जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं देख लो आ गया है पहला क्वेश्चन पढ़ो जरा हुआ स्किल्स ऑन व्हील इनिशिएशनल एजुकेशन सेकेंडरी स्कूल इंडिया भारत भर में माध्यमिक विद्यालयों में, विद्या में व्यवसायिक शिक्षा को बदलने के लिए स्किल्स ऑन व्हील्स पहल किसने शुरू की है अनुराग ठाकुर पीयूष गोयल स्मृति ईरानी धर्मेंद्र प्रधान या फिर अमित शाह इसका राइट आंसर है धर्मेंद्र प्रधान आइए बात करते हैं तो यूनियन मिनिस्टर है स्किल डेवलपमेंट और ऑंटरप्रनोरशिप धर्मेंद्र प्रधान और साथ ही साथ लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जिन्होंने ये इनिशिएटिव स्किल्स ऑन व्हील को लॉन्च किया है तो ये इनिशिएटिव है क्या ये अवेयरनेस फैलाएगा गवर्नमेंट का जो स्किल डेवलपमेंट मिशन है जो अपॉर्चुनिटीज हैं और ये सपोर्ट करेगा जो युवा हैं उनको ठीक है साथ ही साथ ये एक तरह का स्किल ऑन व्हील्स का एक मोबाइल वोकेशनल लैब है जिसे किसके ऊपर बनाया गया है ट्रक पे आप देख सकते हैं ठीक है एक सेकेंड और <clears throat> इसमें वाईफाई ऑडियो विजुअल फैसिलिटीज़ और साथ ही साथ जनरेटर अवेलेबल है ये जो ट्रक है या ये जो लैब है आपकी ये टेंथ ट्वेल्थ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको करियर काउंसलिंग में मदद करेगा कि आगे चल के किस तरह के करियर आपको चूज़ करना चाहिए साथ ही साथ ये ट्रेनिंग और वोकेशनल इंस्ट्रक्टर्स भी इसमें हैं जो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे स्किल ट्रेनिंग जैसे वेल्डिंग है प्लम्बिंग है इलेक्ट्रिकल वायरिंग फूड प्रोसेसिंग बेसिक हेल्थ केयर और मोबाइल रिपेयर ठीक है सो दैट आगे चल के उनको दिक्कतें ना फेस करनी पड़े चलो आगे बढ़ते हैं ये पूरी बात हो गई और फिलहाल अगला क्वेश्चन इकोसिस्टम इन द इंस्टीट्यूट किस आई आई टी ने संस्थान में स्टार्टअप परिस्थिति की तंत्र का समर्थन करने के लिए निजी ऋणदाता आईसीआईसीआई बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं आई गुवाहाटी टी दिल्ली आई मद्रास टी कानपुर आई रुड़की चलो देखो क्या है इसका राइट आंसर इज डी इट्स आई कानपुर ठीक तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कानपुर ने एमओयू साइन किया है प्राइवेट लेंडर आईसीआईसी बैंक के साथ सपोर्ट करने के लिए जो स्टार्टअप और स्टार्टअप इकोसिस्टम सिस्टम है इंस्टीट्यूट में ठीक है इसके अलावा ये जो पार्टनरशिप है ये सशक्त करेगा एमपावर करेगा स्टार्टअप्स को और इनोवेटर्स को कहाँ पे अपने जो स्टार्टअप इनक्यूबेशन और इनोवेशन सेंटर में इसके अलावा ये जो एस आई आई सी है आपका यानी स्टार्टअप इनक्यूबेशन इनोवेशन सेंटर ये ओल्डेस्ट इनक्यूबेटर है कंट्री का जिसे जिसने अपनी शुरुआत की थी 2000 में और ये पार्टनरशिप है इन दोनों के बीच ये फोकस करेगी सपोर्ट करने में इनक्यूबेट्स को और प्रोवाइड करेगी और और उनको इम्प्रूव करेगी उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की कंडक्ट करते हुए कई तरह की वर्कशॉप और सेमिनार्स को ठीक है ना चलो आगे बढ़ो ये कुछ एम हैं जैसे कि सिडनी ने पार्टनरशिप किया टाटा पावर के साथ एम एसमी सोलर रूफटॉप फाइनेंसिंग के लिए ब्रिस्क पे ने इंट्रोड्यूस किया ब्रिस्क ए टू ए येस बैंक के साथ इनेबल करने के लिए सीमलेस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट नाबार्ड ने पार्टनर किया है यूएनडीपी के साथ बूस्ट करने के लिए डेटा ड्रिवन इनोवेशन इरडा ने साइन किया है एमओयू यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ को फाइनेंस करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को मास्टर कार्ड ने पार्टनर किया है क्रेडिक्स के साथ टू बेक बी टू बी पेमेंट रिवॉर्डिंग फॉर वेंडर्स ठीक है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन एज साइन एन एम ओ यू विद विच कंपनी टू डेवलप एन इंडिजिनियस कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेनिंग कंट्रोल सिस्टम दिल्ली मेट्रो ने दिल्ली मेट्रो रेल ने कॉरपोरेशन ने स्वदेशी संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज हिंदुस्तान यूनिवर टाटा एडवांस सिस्टम या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आइए देखते हैं द राइट आंसर इज ई वाला यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने साइन किया है एक एमओयू डेवलप करने के लिए स्वदेश निर्मित इंडिजिनियस कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम ये पार्टनरशिप बदलाव लाएगी ट्रांसफॉर्म करेगी रेल का जो यातायात या जो ट्रांसपोट ट्रांसपोर्टेशन है भारत में ड्राइव करेगी इनोवेशन रिड्यूस करेगी कम करेगी कॉस्ट फॉस्टर करेगी सेल्फ रिलायंस लेकर आएगी आत्मनिर्भरता लाएगी इन द फील्ड ऑफ क्या ट्रेनिंग कंट्रोल सिग्नलिंग सिस्टम में इसके अलावा जो कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम है ये ऑप्टिमाइज़ करेगा ट्रेन के ऑपरेशन को इंक्रीज करेगा फ्रीक्वेंसी इनहानस करेगा पैसेंजर सर्विसेज और एफिशिएंटली यूटिलाइज करेगा रेल का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है साथ ही साथ ये जो प्रोटोटाइप है आई सी प्रोडक्ट इसे डिप्लॉय किया जाएगा बहुत जल्द जो टेस्टिंग ट्रैक है वहां पे ठीक है अच्छा अब ये फिर और देख लो एम हमारे पास कौन कौन से हैं Amazon Web Services ने टाई अप किया है इसरो के साथ एडवांस करने के लिए अपनी ए आई कैपेबिलिटीज टी सी एस ने क्लेबरेट किया है द दसॉल सिस्टम के साथ लिविंग हार्ट प्रोजेक्ट के लिए एनजी ई एल ने पार्टनर किया है नायरा एनर्जी के साथ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए गूगल क्लाउड ने पार्टनरशिप किया है माइटी के साथ ट्रेन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशल्स को इंडिया पोस्ट और शिप रॉकेट ने पार्टनर किया है स्ट्रेंथन करने के लिए ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को टर गवर्नमेंट इज लॉन्च द यूपीएजी प्लेटफॉर्म फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डेटा वॉट इज द मीनिंग ऑफ यू इन यूपीए केंद्र सरकार ने कृषि डेटा के प्रबंधन के लिए यूपीए प्लेटफॉर्म लॉन्च किया यूपीएजी में यू का क्या अर्थ है यूनिवर्सल यूनिफाइड यूनिट उत्तम या यूनियन इसका राइट आंसर है बी इट्स यूनिफाइड तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है यूनिफाइड पोर्टल एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है मैनेज करने के लिए एग्रीकल्चरल डेटा ठीक है और इसे डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर और लॉन्च किया गया है नीति आयोग के मेंबर रमेश चंद्र के द्वारा ये जो प्लेटफॉर्म है इसे डिजाइन किया गया है जनरेट करने के लिए क्रॉप एस्टिमेट्स जैसे कि प्राइस उनका प्राइस कैसे निकालना है ट्रेडिंग ट्रेड प्रोक्योरमेंट और स्टॉक साथ ही साथ यूपीए पोर्टल जो है ये इन्वेस्ट uh, किया गया है एज अ पब्लिक गुड जहाँ पे मतलब एक पब्लिक पोर्टल uh, है आपका जहाँ पे यूजर्स क्या करेंगे बेनिफिट करेंगे बाय रिड्यूस सर्च कॉस्ट फ्रिक्शन और एक्सेस करेंगे इनक्रेडिबल क्रेडिबल ग्रैनुअल और ऑब्जेक्टिव डेटा ठीक है चलो आ, आगे बढ़ो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हाँ तो न्यूज में काफी बना हुआ है द लास्ट डीजल रन डबल डेकर बस ऑफ मुंबई रिटायर्ड तो ये सपने देखा इन व्हिच हियर द फर्स्ट डबल डेकर बस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन मुंबई तो मुंबई की आखिरी डीजल से चलने वाली डबल डेकर बस रिटायर हो गई है मुंबई में पहली डबल डेकर बस की शुरुआत किस वर्ष में शुरू की गई थी 27 37 47 57 75 तो डबल डेकर शान है मुंबई की है ना बी इफ इट वा इट्स स्टार्टेड इन 1937 देखो जरा तो मुंबई ने फेयरवेल कर दिया है डीजल से चलने वाली डबल डेकर बस को आ, बिरहान मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई और ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की ये जो मुंबई की रेड डबल डेकर जो बक है आ, बस है आपका 80 साल पुरानी है न, इनके बदले में अब नई बैटरी ऑपरेटेड डबल डेकर जो बसेस हैं वो आएंगी टोटल ऑफ नौ सौ एयर कंडीशन डबल जो डेकर बस हैं ये प्रोवाइड की जाएगी मुंबई को जुलाई 2024 तक तो पहली जो डबल डेकर बस थी वो मुंबई की रोड पे 1937 में चली थी ठीक है ना चलो विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैजेनाइज द फोर्थ एंड फाइनल जी ट्वेंटी फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग में से किस शहर ने भारत की अध्यक्षता में चौथी और अंतिम G20 ट्वेंटी फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की है रायपुर नई दिल्ली भुवनेश्वर अहमदाबाद और मुंबई आओ देखे कौन सा शहर है ये रायपुर है तो रायपुर छत्तीसगढ़ में जी ट्वेंटी फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई चौथी और अंतिम बिकॉज अब जी ट्वेंटी नवम्बर थर्टी को ख़त्म होने वाला है पता है ना आपको और नई प्रेसिडेंसी एक दिसंबर से किसकी होगी किसके पास होगी ब्राज़ील के पास ठीक है लास्ट ईयर इंडोनेशिया के पास थी इस साल भारत के पास है और नेक्स्ट ईयर ब्राज़ील के पास होगी चलो आगे बढ़ो तो मोर देन सिक्सटी फाइव डेलीगेट जी ट्वेंटी मेम्बर्स इन्वाइटिंग कंट्रीज और अंतर्राष्ट्रीय जो ऑर्गेनाइजेशन है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने पार्टिसिपेट किया ठीक है अब ये जो फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप जो फैसिलिटी है यहाँ पे ये फैसिलिटेट करता है डिस्कशन जो भी लेटेस्ट ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक और पॉलिसी गाइडेंस हैं कि एक माइक्रो इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर साथ ही साथ ये जो डिलिवरेबल्स हैं फ्रॉम दिस वर्किंग ग्रुप यानी यहाँ से जो भी बातचीत आएगी अंडर 2023 इंडिया प्रेसिडेंसी इसे सक्सेसफुली कंक्लूड किया जाएगा और रेफर किया जाएगा नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन अभी आपको पता होगा ना जी जो मीटिंग हुई है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पास ऑन हुआ है तो उसमें इसको रेफर किया जाएगा जी रिपोर्ट ऑन माइक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ फूड और क्लाइमेट इनसिक्योरिटी और जी ट्वेंटी रिपोर्ट ऑन माइक्रो इकोनॉमिक रिस्क टेमिंग फ्रॉम क्लाइमेट चेंज और ट्रांजिशन पाथवेज ठीक है ना चलो आगे बढ़ो अब ये कुछ मीटिंग्स जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जरा उनके बारे में बात करते हैं जैसे कि पहली जी ट्वेंटी फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की मीटिंग बैंगलुरु कर्नाटक में सत्रह से अठारह दिसंबर बाईस में हुई ठीक है फिर आपका सेकेंड जी ट्वेंटी फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की मीटिंग चेन्नई तमिलनाडु 24 से 25 मार्च 2023 दूसरी जी ट्वेंटी फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की मीटिंग महाबलीपुरम तमिलनाडु में 19 से 21 से जून को हुई फिर चौथी जी ट्वेंटी फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की मीटिंग रायपुर छत्तीसगढ़ 18 से 19 सितंबर ठीक है ना चलो आगे बढ़ो बेटा ये दूसरी नहीं ये तीसरी वाली है ठीक है ये थर्ड है यहाँ सेकंड लिख गया है आगे बढ़ो विथ स्टेट गवर्नमेंट हैज इनोग्रेटेड द मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना तो कई बार हम इसके बारे में बात कर चुके हैं किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का उद्घाटन किया है मतलब कुछ थोड़ा सा अंतर है बट मुख्यमंत्री लाडली जहां लग गया वो इसी स्टेट का है यूपी गुजरात राजस्थान महाराष्ट्र मध्य प्रदेश तो लाडली बहना वाला जितना भी है ये सब है आपका एम का मध्य प्रदेश ठीक है तो यहाँ आवास है यानी हाउसिंग फैसिलिटी है तो पहले तो देखो मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना भोपाल में सीएम साहब शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च की एमपी के सीएम है ये Uh, जो स्कीम है उन फैमिलीज़ को जिनको uh, को बेनिफिट देती है ठीक है हु आर लेफ्ट आउट ऑफ गेटिंग द बेनिफिट ऑफ जिन्हें हाउसिंग फैसिलिटीज़ का बेनिफिट नहीं मिला है अलग अलग हाउसिंग स्कीम्स के अंतर्गत तो उनको यहाँ पे बेनिफिट दिया जाएगा सितंबर 17 से अक्टूबर 5 तक आप अपनी एप्लीकेशन यहाँ भर सकते हो तो स्कीम में वो फैमिलीज़ uh, को बेनिफिट दिया जाएगा जिनकी एप्लीकेशन प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल और आवास प्लस ऐप पोर्टल पे है और एम आई एस पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे है एक सेकेंड रुको सच फैमिलीज विल गेट बेनिफिट्स दो हुज एप्लीकेशन अंडर यहाँ पे यहाँ पे एंड पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट हैव बीन ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड यानी यहाँ पे इन पोर्टल्स पे उन्होंने डाला था बट यहाँ पे रिजेक्ट हो गया और इसके कारण उनको क्या नहीं मिला हाउसिंग फैसिलिटीज नहीं मिली है तो इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा ठीक है चलिए फिर ये बेनिफिट करेगा उन फैमिलीज को जिन्हें इंक्लूड नहीं किया गया है जो लिस्ट है आपकी सोशल सामाजिक इकोनॉमिक आर्थिक और कास्ट सेंसिस दो हज़ार ग्यारह में और आवास प्लस में और इनको किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं मिला है हाउसिंग स्कीम का सेंटर या स्टेट के द्वारा तो उन्हें यहाँ बेनिफिट मिलेगा तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है भोपाल सीएम है शिवराज सिंह चौहान गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल अब ये जरा एमपी की स्कीम्स पे जरा नजर दौड़ा लें देखो जरा लाडली बहना स्कीम जहां लाडली लगा एमपी है सीएम लर्न एंड अर्न स्कीम सीएम मिनिस्ट्रियल रेजिडेंशियल एंड लैंड राइट स्कीम लाडली लक्ष्मी 2.0 पॉइंट जीरो लॉन्चपैड स्कीम पंख अभियान सिकल सेल अभियान मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना ये सब एमपी की योजना है फॉलोइंग रेलवे स्टेशन वॉज रीनेम्ड आफ्टर कैप्टन तुषार महाजन निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तुषार महाजन के नाम पर रखा गया है उधमपुर पठानकोट उदयपुर श्रीनगर या जम्मू इसका राइट आंसर इज ए इधमपुर तो उधमपुर रेलवे स्टेशन को फॉर्मली इसका नाम बदल के आ, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रख दिया गया है आफ्टर यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने अनाउंसमेंट किया फिर जो नॉर्दर्न रेलवे ने नोटिफाई किया था चेंज करना चाहिए ये नाम ऑनर करते हुए आर्मी के जो ब्रेव हैं इनका और ये जो फॉलोइंग द अप्रूवल ऑफ़ यहाँ पे अप्रूवल मिल गया था जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का महाजन साहब की बात करें तो इंडियन ऑफिसर हैं जिन्होंने अपनी जान गवाई थी शहीद हुए थे अपनी देश की रक्षा करते हुए और ये हिस्सा थे नाइन पैरा स्पेशल फोर्सेस यूनिट के जिसे आप नौ पैराशूट कमांडो भी कहते हो ठीक है और इन्होंने टेररिज्म uh, ऑपरेशन को लीड किया था पंपोर जम्मू कश्मीर में फरवरी 2016 में यहां इन्होंने अपनी जान गवाई थी और इन्हीं को डेडिकेट करते हुए ये uh, ये नाम बदला गया है और इन्हें शौर्य चक्र भी दिया गया है ठीक है चलो बढ़ो आगे विच बैंक हैज रोल्ड आउट ऑफ आई बी साथी इनिशिएटिव एम्ड एट प्रोवाइडिंग एन इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स इन द फांशियल सेक्टर थ्रू द बिजनेस करिस रूट इस बैंक ने व्यवसाय संवाददाता मार्ग के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र में सभी हितधारकों के लिए एक एकीकृत परिस्थिति की प्रदान करने के उद्देश्य से आई बी साथ ही पहल शुरू की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक यूको बैंक इंडियन बैंक या कैनरा बैंक ये है डी इंडियन बैंक तो पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडियन बैंक इसने रोल आउट किया आई बी साथी इनिशिएटिव जिसका एम क्या है प्रोवाइड करना एक इंटीग्रेटेड इको सिस्टम स्टेक होल्डर्स के लिए फिनेंशियल सेक्टर में बिजनेस करस्पॉन्डेंट रूट रूट के माध्यम से तो ये जो आई बी सस्टेनेबल एक्सेस और अलाइनिंग टेक्नोलॉजी है फॉर हॉलिस्टिक इंक्लूजन साथी नाम है इसका ये ऑफर करता है एक इनहस्ड एक बेहतर यूज़र एक्सपीरियंस अपने सिंप्लीफाइड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज के माध्यम से जिसमें बेसिक और वैल्यू एडेड ऑफरिंग्स हैं दोनों ही शामिल हैं कस्टमर्स के लिए ठीक है तो इस इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कस्टमर्स को सर्विसेज बेहतर तरीके से प्रोवाइड होंगी ठीक है चलो आगे बढ़ो और इंडियन बैंक के बारे में बात करते हैं 1907 को बना था हेड क्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है एम का नाम देखो क्या है? शांतिलाल जैन टैगलाइन है योर ओन बैंक ठीक फिर ये इंश्योरेंस सेक्टर्स की कुछ फैसिलिटीज हमने पढ़ी जैसे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है नया हेल्थ वेलनेस प्लान सेवा भारतीय एक्सा लाइफ ने इंट्रोड्यूस किया है लाइफ इनकम लाभ इंश्योरेंस को सिंप्लीफाई करने के लिए डी बैंक ने अनवील किया है मेटावर्स एडवेंचर डी बेटर वर्ल्ड एच में बन गया है इंडिया का पहला फॉरन बैंक भारत में जिसने लॉन्च किया है ओ एन डी सी इन अब्स इसके अलावा ए यू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है जिनित मेटल क्रेडिट कार्ड तो अपॉइंटमेंट्स की तरफ आ जाते हैं देखो भाई अपॉइंटमेंट क्या है ऑफ द ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन एबीसी फॉर 2324 2023-24 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया नाम पढ़े रजनीश कुमार जोशित रंजन सिखदस दीपक मोहंती श्रीनिवासन के स्वामी या लोकेश एम राइट आंसर इज डी डी बोले तो श्रीनिवासन के स्वामी Let's move ahead. तो आर के स्वामी हंसा ग्रुप एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के, आ, के आ, एक, एक मिनट फिर से पढ़ूंगी आर के स्वामी हंसा ग्रुप एक के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन श्रीनिवास के स्वामी को इलेक्ट किया गया है चेयरमैन ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन तेईस चौबीस के लिए ठीक है अब ये करंटली चेयरमैन है एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन के ये कई लीडरशिप रोल्स निभा चुके हैं जैसे इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन में और एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया में भी ठीक है चलो इसके अलावा इन्हें एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया से ठीक है आओ कुछ अपॉइंटमेंट्स को जरा डिस्कस करें जैसे हमने पढ़ा इंटरम डायरेक्टर इन्फॉर्मेश इन्फोर्समेंट डायरेक्टेड ईडी के बने हैं राहुल नवीन संजय कुमार मिश्रा को रिप्लेस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट वाइस चेयरमैन नेस सिंधु गंगाधरन डायरेक्टर सेसी जोशित रंजन एम डी सी ओ टाटा स्टील टी वी नरेंद्रन सी चीफ ऑपरेशन मैनेजर सेंट्रल रेलवे श्याम सुंदर दास गुप्ता मुकुल जैन को रिप्लेस करेंगे ठीक फर्स्ट वर्जन टू ज्वाइन दैरा स्पेशल भारतीय सर्जन कौन बन गई है अंशिका सिंह राधिका गोयल वसुधा गुप्ता शिवानी त्यागी या पायल छाबरा इनका नाम है पायल छाबरा ठीक तो पायल छाबरा सर्जन है जो आर्मी हॉस्पिटल लद्दाख में सर्व कर रही है पहली महिला सर्जन सर्जन है जो ज्वाइन करेंगी पैरा स्पेशल फोर्सेस इंडियन आर्मी की इन्होंने कंप्लीट की अपनी ट्रेनिंग और रिसीव किया है मरून बेरट कहाँ पर पैरा टूपर्स ट्रेनिंग स्कूल आगरा यूपी में ठीक है इसके अलावा ये हरियाणा से आती हैं एम की डिग्री है एम सर्जरी की डिग्री है ये सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं सर्जरी डिपार्टमेंट कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल हरियाणा 2020 में रह चुकी हैं और कमीशन हुई थी इंडियन आर्मी में एस कैप्टन 2021 में है ना चलो फिर अपॉइंटमेंट्स को देखो तो ये भी अभी हमने सेम अपॉइंटमेंट्स अभी अभी पढ़े हैं ये रिविजन है ठीक है एक बार पॉज करके फिर से पढ़ लेना चलो आगे बढ़ो Who द won the सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स Grand Prix थ्री फार्मूला वन ग्रिक्स किसने जीता कार्लो सैंस लुइस मैक्सन तो यहाँ पे रेडबुल को मात दे दी है फरारी ने तो नाम गया है बदल इनका नाम है कार्लोस सेन्स फरारी के ड्राइवर हैं. जीता है सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स. ठीक है और टू एंड फॉर्मूला वन मैक्स वेस्टेन का रिकॉर्ड रन ऑफ टेन विंस ठीक है तो अभी आप देख रहे थे लगातार मैक्स वेस्टरबेन रेडबुल वाले जीतते जा रहे थे अब यहाँ इन्होंने यहाँ थाम लगा दिया नहीं तो लगातार दसवीं जीत हो जाती इनकी ठीक है ना फिर मैकलर uh, के लैंडो नॉरिस को फिर क्लोज सेकेंड दूसरे नंबर पे आए मर्सिडीज के लुइस हेमल्टन तीसरे नंबर पे आए और रेडबुल को तो कुछ मिला ही नहीं यहाँ ठीक है ठीके? अच्छा सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2020 और 21 में कैंसिल हुई थी कोविड पैंडेमिक की वजह से आओ जरा लिस्ट देखें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैक्स वेस्टपिन ने कौन कौन से जीते हैं रेडबुल के ड्राइवर नीदरलैंड से आते हैं याद रखना है देखो इटालियन डच हंगेरियन ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रियन ऑस्ट्रियन देन कैनेडियन फिर आओ आगे स्पैनिश मोनाको मायामी Uh, और ऑस्ट्रेलियन देन बहरीन और साउ बहरीन ठीक है यहाँ तक यहाँ तक जीते हैं किसने मैक्स वोस्टपिन ने इसके अलावा अन्य जैसे सऊदी अरेबियन और अजरबैजान, ये दोनों जीते हैं रेडबुल ने, ने जीते हैं बट सर्जियो पेरेज ने जीते जो कि मेक्सिको के ड्राइवर हैं ठीक है थीके? चलो

तो हेमंत बिस्व शर्मा को दिया गया है ली कॉन यू अवार्ड आ, आ, ली कॉन यू एक्सचेंज फेलोशिप अपनी डिस्टिंग्विश कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए पब्लिक सर्विस में ठीक है आ, ये उनको दिया जाता है जिनका आउटस्टैंडिंग सही योगदान रहा रहता है, रहता है बायोलैटरल रिलेशन सिंगापुर से बढ़ाने में और ये पहले सीएम है असम के जिनको ये अवार्ड दिया गया है ठीक इतनी बात बस यहाँ देखो और अवार्ड्स की तरफ एक रिविजन कर लेते हैं जैसे हमने कल पढ़ा संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड एटी आर्टिस्ट को दिया गया है जिसमें सत्तर मेल और चौदह महिलाएं शामिल है आई जी नोबल प्राइज 2023 इंडिया चाइना मलेशिया और यूएस के रिसर्चर्स टीम को कंबाइंडली दिया गया है फिर नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स फ्रांस की गवर्नमेंट ने दिया है इंडियन फैशन डिजाइनर राहुल मिश्रा को सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड कंस्ट्रक्शन कैटेगरी में राइट्स लिमिटेड को दिया गया है ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेशन इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन प्लैटिनम रेटिंग है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अकादामिया वाइस चांसलर जामिया मिलिया इस्लामिया नजमा अख्तर को दिया गया हूं अमंग द फॉलोइंग हैज won द गोल्ड मेडल इन द वुमेन 10 मीटर एयर राइफल इवेंट एट द आई एस एस एफ वर्ल्ड कप ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री रियो डी जेनेरियो ब्राजील निम्नलिखित में से किसने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आई आई एस एफ विश्व कप दो हजार तेईस में महिलाओं की दस मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है मनु भाकेर एलेवेन एल बेलियन देन अपूर्वी चंदेला अंजुम मोदगिल एंड हिना सिंधु नाम पड़े इनका इनका नाम है एलेवेनल बेलवेन ठीक है तो जीता है इन्होंने गोल्ड महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल इवेंट जो आई एस 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 एफ वर्ल्ड कप दो हज़ार तेईस रियोडिजनियो ब्राजील में हुआ ठीक है इन्होंने शूट किया है टू फाइव टू फिफ्टी टू पॉइंट टू अपनी सीरीज ऑफ ट्वेंटी फोर शॉर्ट्स में से ये इनका रहा है बेस्ट ठीक है इसके अलावा टोटल आठ शूटर्स फाइनल में थे इसके अलावा आ, ये इनका दूसरा इंडिविजुअल आई एस एस एफ वर्ल्ड कप मेडल है ठीक चलो बस इससे ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है सो गाइज आज टेक्निकली इतने ही क्वेश्चन है मेरे पास और इतना ही रिविजन है ये पी आपको मिल जाता है हमेशा की तरह कहाँ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से साथ ही साथ हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है टेस्ट डॉट एम्बिश बाबा डॉट कॉम जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मोर देखिए लिखा होगा मोर को क्लिक करेंगे सारे लिंक से हमारा ऐप है डेली करंट अफेयर्स ऐप हमारी वेबसाइट है टेलीग्राम चैनल है इंस्टाग्राम है और फेसबुक तो आप यहाँ पे भी हमसे कनेक्ट हुई आप मुझे यहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से इंस्टाग्राम के माध्यम से मेरा नाम नीनम है और अगर आप अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़ जाइए ऑन टेलीग्राम इंस्टाग्राम और, और फेसबुक के माध्यम से तो गाइज अब मिलेंगे हमारे अगले सेशन में सेशन को लाइक ज़रूर करिए शेयर ज़रूर करिए रोज़ाना फॉलो ज़रूर करिए अब मिलते हैं हमारे अगले सेशन में तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए सुरक्षित रहिए धन्यवाद